कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको इसके 8 पार्ट देखने को मजबूर कर देगी, वेनसडे। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.1 है। इसमें हॉरर मिस्ट्री देखने मिलेगी। एक लड़की की तस्वीर होती है। अब यह रॉबिन को लगता है कि वेनसडे ही आगे चल के सब तबाह कर देगी। इस कारण रॉबिन की माँ मरते समय रॉबिन से कहती है कि इस लड़की को नेवर मोर में आते ही तबाही शुरू हो जाएगी और वो वेनसडे को मारने ही वाला होता है। तभी एक खूंखार दानव वहाँ आ जाता है और रॉबिन को बुरी तरह मार देता है। और रॉबिन की मौत कैसे हुई यह बात वो शरीफ को बता देती है। पर शरीफ की पूरी टीम उस जंगल में सर्च कर चुकी है पर रॉबिन की बॉडी कहीं नहीं मिली। यह सब जानकारी वेनसडे और प्रिंसिपल को शरीफ बताता है। मन ही मन शरीफ को लगता है कि यह नेवर मोर का ही कोई स्टूडेंट है जो यह सब कर रहा है। यहाँ मैं आप सबको बता दूँ, प्रिंसिपल को इस दानव की पूरी जानकारी है पर वह सभी से छुपा रही है। और वेनसडे शरीफ से अकेले में बात करने का सुझाव देती है पर प्रिंसिपल मना करती है। और शरीफ कहते हैं कि मैं गवाह से पुलिस स्टेशन में ही बात करूंगा। और यह सुनकर प्रिंसिपल मान जाती है और शरीफ को 5 मिनट देती है पूछताछ के लिए। तब यहाँ वेनसडे कहती है कि आपको भी पता है जंगल में कोई भालू या भेड़िया नहीं है। तब वहाँ उसके सामने रॉबिन आ जाता है जो मर चुका था। यह देखकर शरीफ और वेनसडे की आंखें जम जाती है और रॉबिन को जिंदा देखकर वेनसडे को कोई गलतफहमी हो गई थी। रॉबिन जिंदा कैसे है और रॉबिन से बात करने के लिए वेनसडे प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल कहती है कि रॉबिन किसी से बात नहीं करना चाहता और वो हमेशा के लिए नेवर मोर छोड़ रहा है आज ही। यह सुनकर वह रॉबिन की गाड़ी की ओर जाती है तो रॉबिन बात करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर शातिर और शैतानी दिमाग के कारण वेनसडे फिंगर को पीछा करने को कहती है और फिंगर रॉबिन का पीछा करता है। कुछ समय तक सब ठीक चलता है पर रॉबिन वॉशरूम में चला जाता है और फिंगर अपने शरीर के चलते धीमा पड़ जाता है। तभी बड़ी हैरानी होती है जब रॉबिन बाहर आता है तो वह अलग ही बेस में था। यह देखकर फिंगर को समझ में नहीं आता, वो सोचता है कोई और है और वे सारे वॉशरूम देखता है पर वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। तब हम देखते हैं कि वह अनजान आदमी प्रिंसिपल में बदल जाता है और यह बात अब सच हो जाती है कि वेनसडे के हिसाब से रॉबिन मर चुका है और प्रिंसिपल कुछ बहुत बुरा करने वाली है या कोई काला सच सभी स्टूडेंट से छुपा रही है। और फिंगर आकर सारी जानकारी वेनसडे को देता है तो वेनसडे कहती है कैसे भाग गया और तुमने क्यों नहीं देखा। फिर वेनसडे और टाइलर उसी जगह आते हैं सबूत ढूंढने के लिए। तब उन्हें रॉबिन का चश्मा दिखता है और उसे छूते ही उसे एक ख्याल आता है जिसमें रॉबिन एक पुराने लाइब्रेरी में है और वह किताब उसके पास है जिसका एक पन्ना लास्ट नाइट रॉबिन के पास था। आइजैक को गुस्से में आकर वह मार रहा है। यह देखकर वेनसडे ओपन लाइब्रेरी में वह किताब ढूंढने आती है पर वहाँ वैसी कोई किताब नहीं मिलती। फिर अपने ख्याल के मुताबिक फिंगर और वेनसडे आइजैक के रूम में चुपके से आते हैं और वहाँ बुक ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वहाँ बुक नहीं मिलती। पर बेड के नीचे एक सीक्रेट फोट फ्रेम दिखता है। वो फ्रेम खोलकर देखती है तो उसमें एक मास होता है। पर तब वहाँ बियानका आ जाती है
और वेनसडे बेड के नीचे छुप जाती है, पर उसे वहाँ पता चलता है कि आइजैक वेनसडे को लाइक करता है और बियांग आइजैक को कल के मैच में वेनसडे से बदला लेने वाली है और उसे सबक सिखाने वाली है। और बियांका कहती है, मैं अपनी शक्ति के मदद से सभी को मजा चखाऊंगी। और यह सब बात वेनसडे बेड के नीचे से सुनती है। यह सुनकर वेनसडे का ईगो हर्ट हो जाता है और वो विनेट के टीम में शामिल हो जाती है। इस बार कप बियांका नहीं जीतेगी। कॉम्पिटिशन के दिन हर टीम को रेवन आईलैंड तक बोटिंग करके जाना है, क्रैकस्टोन की गुफा से बैग लाना है, वो भी बिना अपनी बोट डुबाए। मुकाबला शुरू हो जाता है और बियांका अपने फ्रेंड्स की शक्तियों की मदद से एक कॉम्पिटिटर को डुबाने लगती है। यह देखकर वेनसडे समझ जाती है कि इससे बियांका का हाथ है। और फिर क्या, फिंगर को खोती है नज़र रखने को। तो जैसे ही वेनसडे की बोट डुबाने के लिए चराता है, तब फिंगर उसे जाल में फंसा लेता है। फिर वेनसडे फ्लैग लाने जाती है, तब वहाँ उसे फिर से ख्याल आता है, जिसमें सेम वेनसडे की तरह दिखने वाली लड़की वेनसडे से कहती है कि असली कुंजी तुम हो, और वह वापस फिनिश लाइन तक आने की कोशिश करती है। अब सिर्फ दो टीम बची होती है, जिसमें बियांका और वेनसडे बोट्स होती है। क्रिएचर वेनसडे की बोट डुबाने फिर आता है, पर फिर जाली से निकल कर ताकि बियांका जीत सके। पर शातिर फिंगर पानी में कूद जाता है और उस क्रिएचर को जोरदार बुक्का मारता है और वह डूब जाता है। तब वेनसडे अपने चाल चलती है और बियांका की बोट पर भाले घुसा देती है और बियांका की बोट की गति स्लो हो जाती है और बोट में पानी भरने के कारण डूब जाती है। और वेनसडे की टीम फिनिश लाइन क्रॉस करती है और जीत जाती है। सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं ट्रॉफी देखकर, पर वेनसडे के स्वभाव के चलते सभी स्टूडेंट उसके ओर देखते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं मुस्कुराती या रोती, वो अपने में ही डूबी रहती है। यह सबको पता है। यह देखकर वेनसडे एक पुराने स्टैचू के पास आकर बैठ जाती है, तब उसे वहाँ एक अजीब निशान दिखता है। रात को फिर सब सो जाने के बाद वो फिर वहाँ आती है, तब वहीं स्टैचू के हाथ में एक किताब होती है और उस पर एक पहेली। फिर क्या, वेनसडे वह सुलझाने में लग जाती है और थोड़ी देर में सुलझ जाती है और स्टैचू अपना दरवाज़ा खोल देता है, जो एक सीक्रेट लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के नीचे आने के बाद उस बुक को ढूंढने लगती है, तब उसकी नज़र उस बुक पर जाती है जो अपने शेड से थोड़ा खिसका हुआ था। वो देखकर वेनसडे समझ जाती है कि ये वही बुक थी और वो बुक अपनी बैग में डालती है। तब वहाँ कोई आ जाता है और वेनसडे पर हमला कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भाई के साथ जुड़ सकते हो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।